बिहार बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि मांझी का समर्थन करना चाहिए, लेकिन दिल्ली के नेता पत्ते नहीं खोल रहे। सुनिए बिहार के नेता और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा इस पूरे मसले पर। हमारे साथ मौजूद हैं शहनवाज हुसैन साहब। सर, आप लोग जो है लगातार विरोध कर रहे हैं, आपके विधायक वहां धरने पर बैठे हैं, लेकिन नेता विपक्ष का ओहदा मिला है जेडीयू को। देखिए, पूरी तरह नीतीश कुमार जी संवैधानिक संस्था का आरोप लगाते थे दुरुपयोग का बीजेपी पर, खुद दुरुपयोग कर रहे हैं। स्पीकर के कंधे पर जिस तरह से वहां पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इसकी मिसाल कहीं मिली नहीं। सवाल है कि आखिर विपक्ष का नेता का पद भी उनको चाहिए और सत्ता पक्ष भी चाहिए। जदयू के ही मुख्यमंत्री थे मांझी जी, उनको निष्कासित किया, उनके 7 मंत्री जो निलंबित हैं अभी भी वो जदयू के सदस्य हैं, 16 विधायक निलंबित हैं। तो जदयू के मुख्यमंत्री भी होंगे और जदयू के विपक्ष के नेता भी होंगे। ऐसा निर्णय भारत के इतिहास में किसी विधानसभा में देखा नहीं गया जो निर्णय वहां हो रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि 4 विधायक जो निलंबित हैं उनको विधानसभा में जाने दिया जाए, स्पीकर साहब नीतीश कुमार के कहने पर उसको विधानसभा में घुसने नहीं दे रहे हैं। तो आज सवाल है कि जदयू सत्ता पाने के लिए किस हद तक गिर सकती है। लेकिन आपके विधायकों ने वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अब जो है ये साफ हो गया है कि मांझी सरकार का या मांझी जो मुख्यमंत्री हैं फिलहाल अभी बिहार के, और उनको जो विश्वास मत हासिल करना है, अब बीजेपी खुलकर अब उनके समर्थन करेगी जब फ्लोर टेस्ट होगा। देखिए, फ्लोर टेस्ट पे हमने कहा जदयू का अंदरूनी मामला है, वो सत्ता भी चाहते हैं, विपक्ष भी चाहते हैं। नीतीश कुमार जी के भाग में सत्ता लिखी नहीं है, जब भी चुनाव होगा विपक्ष के नेता पद के लिए ही वो लड़ते रहेंगे, इसलिए विपक्ष का नेता का पद अभी से मांग रहे हैं और अभी से ले लिया है। लेकिन जब भी विधानसभा का चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा, क्योंकि जिस तरह सत्ता के लिए हरकत पर उतर आई है जदयू, ऐसी मिसाल राजनीति में, ऐसी महत्वाकांक्षा हमने आज तक देखी नहीं।